चरखी दादरी के गांव डालावास में गेहूं निकालते समय मशीन में आने से एक श्रमिक की दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी अनुसार गांव डालावास निवासी करीब 33 वर्षीय विजेंद्र मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। बीती रात गांव डालावास निवासी एक किसान के खेत में गेहूं निकलवाने के लिए वह मजदूरी पर गया था। इसी दौरान वह हादसे का शिकार हो गया। हड़म्पा मशीन में आने के कारण उसकी दर्दनाक मौत हो गई। श्रमिक विजेंद्र का पैरों से ऊपर का पूरा हिस्सा मशीन में कट गया। घटना की जानकारी मिलते ही रात को ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर चरखी दादरी के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। जी, मेरा नाम रवि है, गांव डालावास। क्या कुछ मामला हुआ है? मामला ये था कि भैया मजदूरी करते थे, हमें खेत में गए हुए थे काम करने के लिए, तो उसका हाथ फिसलने के कारण वो थ्रेसर में चले गए, तो वो धड़ धड़ और एक हाथ बचा हुआ है उनका, बाकी सारा शरीर नष्ट हो गया है। तीन बच्चे उनके, विजेंद्र नाम है, बाप का नाम संदीप। बाप भी मजदूरी करता है, वो खुद भी मजदूरी करता है। दो भाई हैं, वो बड़ा था, फसल गेहूँ की निकाल रहे थे। एक करीबन रात को आया था 2-2:30 बजे। इसके तीन बच्चे हैं, एक 2 साल की गुड़िया है और एक लड़का है, एक बड़ी लड़की है 7 साल की। हाँ, छोटे ही बच्चे हैं।